हमारे हॉरोस्कोप में 9 प्लैनेट्स हैं जो अगर वीक हो जाएं तो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कैसे हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करके इन प्लैनेट्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, रिप्रेजेंट करता है फादर को, सनलाइट को, सूर्य को। तो जितना हो सके सनलाइट में टाइम स्पेंड करें, फादर और फादर फिगर जो मेल्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करें, और वुडन फर्नीचर घर में जितना ज़्यादा यूज़ कर सकें अच्छा है। नंबर 2, मून। मून के लिए जूसी फ्रूट्स, योगर्ट, कर्ड या पानी जितना इनटेक कर सकें आपके लिए अच्छा है। माँ और जो माँ जैसी फीमेल्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करें। सैटर्न के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें और अंधेरे में अपना टाइम बिल्कुल भी स्पेंड ना करें, क्योंकि अगर सैटर्न वीक है तो डिप्रेशन ज़रूर हो सकता है। नंबर 4, मंगल को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हो सके तो लो हाइट वाले बेड, उसके ऊपर सोना शुरू करें। ज़मीन पर अगर पॉसिबल है सोना, गद्दा बिछा के, तो वो कर सकते हैं, उससे मंगल स्ट्रांग होता है। खाने में जेगरी या गुड़ इंक्लूड कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। मर्करी को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करके, ग्रीन वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा है। जुपिटर को कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है, हल्दी, बेसन, वेजिटेरियन फूड अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। वीनस को स्ट्रांग किया जा सकता है, अपने रूम को क्लीन करके प्रॉपर रेगुलर नहा के आप सेंट परफ्यूम यूज़ करें, वीनस अच्छा हो जाएगा। राहु केतु के लिए बेस्ट रेमेडी है, अगर घर में कोई भी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं काफ़ी टाइम से, यूज़ नहीं हो रही हैं, कबाड़ पड़ा हुआ है या वॉशरूम्स गंदे हैं, घर क्लीन नहीं है, इमीजिएटली उसको ठीक कर लीजिए।